वर्ल्ड कप में शुक्रवार को भारत ने रोहित शर्मा के शानदार नाबाद शतक और युजवेंद्र चहल के 4 विकेट की बदौलत अपने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। नाबाद 122 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। वर्ल्ड कप के 7वें दिन बुधवार को साउथहैम्पटन के हैम्सवेयर बाउल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का 8वां मैच खेला गया। मैच में टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही और आधी टीम 79 रन पर आउट हो गई, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने कुछ अच्छा खेल दिखाया और दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 228 रन का टारगेट दिया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्रिस मॉरिस ने 42 और कप्तान फैफ दू प्लेसिस ने 38 रन बनाए। गेंदबाजी में भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 4 और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका से मिले 228 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत थोड़ी खराब रही, लेकिन मैच में रोहित शर्मा का बल्ला चला और भारत ने 47 ओवर्स 3 बॉल में 4 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने नाबाद 122 और महेंद्र सिंह धोनी ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कागिसो रबादा ने 2 और क्रिस मॉरिस और आंदिल फेलुकवायो ने 1-1 विकेट लिए। मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार नाबाद शतक लगाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।